तो मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे पंडित जी से पूजा करा रहे हैं। भोलेनाथ बाबा जय भोलेनाथ। और दोस्तों अब निकल रहे हैं गेस्ट हाउस से बाहर, ये और माँ गंगा के साक्षात दर्शन आप कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। तो दोस्तों हम भैरव घाटी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जय भैरव। भैरव घाटी से नीचे उतर गए हैं और हम लंका पुल में पहुंच चुके हैं दोस्तों। या तो अभी पहुंच चुके हैं कोपांग में। दोस्तों यात्रा पहुंच चुकी है जांगला पुल। ये हरसिल वैली का बहुत ही सुंदर नजारा आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत नजारा। और देखिए हमारे भोले किस तरह से झूम रहे हैं आप देखिए। सभी मित्रों को मेरा प्यार और नमस्कार। मैं शैलेंद्र सिंह महंत अपने YouTube चैनल सेलवा उत्तराखंडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हूं अभी गंगोत्री धाम उत्तराखंड में, बहुत दिव्य धाम है दोस्तों। और हमारा ग्रुप यहां पे आया है दोस्तों कांवड़ यात्रा लेने के लिए। और हम लोग जा रहे हैं दोस्तों गंगोत्री से बाबा केदारनाथ के धाम कांवड़ लेके जा रहे हैं दोस्तों। पैदल कांवड़ यात्रा है। और कल रात्रि विश्राम माँ गंगा के दिव्य धाम गंगोत्री धाम में हुआ था दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस रूम में रुके थे। ये गंगोत्री मंदिर समिति का गेस्ट हाउस है दोस्तों। और बड़े भाई सुरेश शेमाल जी जो कि गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव हैं, उनके द्वारा हमारी यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोस्तों अपने कांवड़ संघ की ओर से। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर हसीन वादियाँ हैं दोस्तों माँ गंगा की दिव्य धाम की। ये आप देखिए बहुत ही सुंदर गेस्ट हाउस है दोस्तों। ये आप देखिए पूरा देवदार का यहाँ पे ये पाइलिंग हो रखी है। ये आप देखिए किस तरह से यहाँ पे गंगोत्री मंदिर समिति द्वारा जो है इस गेस्ट हाउस का यहाँ पे निर्माण कराया गया है, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर हसीन वादियाँ हैं। और यहाँ से आप डायरेक्ट माँ गंगा का दिव्य नज़ारा देख सकते हैं, दिव्य दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। ये है माँ गंगा का दिव्य धाम, दिव्य गंगोत्री की सुंदर हसीन वादियाँ आप देख सकते हैं। और माँ गंगा के साक्षात दर्शन आप कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ये आप देखिए, और यहाँ पे आप देखिए कांवड़िया यहाँ पे स्नान कर रहे हैं दोस्तों। ये आप देखिए और जल भर करके जो है अपने गंतव्य को आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देखिए हम लोग भी जाएंगे दोस्तों माँ गंगा में स्नान करेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा हमारी शुरू होगी दोस्तों। ये आप देखिए बहुत ही सुंदर हसीन वादियाँ हैं दोस्तों माँ गंगा के दिव्य धाम गंगोत्री धाम हिमालय से। ये आप देखिए और सामने है दोस्तों ईशावश्यम आश्रम है गंगोत्री धाम में। और ये विभिन्न देवी देवताओं के यहाँ पे मंदिर है दोस्तों गंगोत्री धाम हिमालय उत्तराखंड में। ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और दोस्तों आज मौसम एकदम साफ तो नहीं है लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है, अच्छा और दोस्तों अब निकल रहे हैं गेस्ट हाउस से बाहर। ये है गेस्ट हाउस, बहुत ही सुंदर गेस्ट हाउस है दोस्तों गंगोत्री मंदिर समिति द्वारा यहाँ पे बनाया गया। और इसी गेस्ट हाउस में हम रुके थे दोस्तों। ये है गौमुख ट्रैक और गौमुख कई लोग यहाँ पे जा रहे हैं, आप देखिए कई लोग गौमुख जा रहे हैं। 18 से 20 किलोमीटर आगे है दोस्तों गौमुख। ये आप देखिए कई लोग गौमुख से जल भर कर आगे बढ़ रहे हैं। भोलेनाथ बाबा जय भोलेनाथ जय। दोस्तों गंगा में स्नान हो रहा है और दोस्तों हमारे मित्र चले गए हैं। हाँ डालो डालो पानी डालो भाई। जय माँ गंगे, जय गंगा मैया की। देखिए दोस्तों जा रहा हूँ नहाने, बहुत ठंडा है। दोस्तों स्नान हो गया, बहुत ही सुखद अनुभूति। तो दोस्तों अब जाएंगे गंगा घाट, यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे, अपने देवी देवताओं को स्नान कराएंगे दोस्तों। तो मंदिर में दर्शन करेंगे दोस्तों, फिर गंगा जल भरेंगे और उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे दोस्तों आगे की ओर। जय माता दी जय। हम निकल रहे हैं, सभी बोले तैयार हो गए हैं याद देखिए। और कुछ बोले हमने यहाँ पे सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में रुकवाए थे, ये हम लोग रुके थे दोस्तों गंगोत्री मंदिर समिति के गेस्ट हाउस में। Bum, 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 bum.
दोस्तों आप देखिए यहाँ पे पंडित जी से पूजा करा रहे हैं, आप देखिए। और यहाँ पे पंडित जी द्वारा जो है जनेऊ सभी कावड़ियों को पहनाया जा रहा है, ये देखिए दोस्तों। और मैंने भी जनेऊ पहन लिया है। जनेऊ के बहुत नियम होते हैं दोस्तों, उसको फॉलो करना होता है और पूरा उसको फॉलो हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे दोस्तों। ये आप देखिए यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है दोस्तों, और हमने गंगा जल भर दिया दोस्तों। यहाँ पे गंगा जली का पूजा पंडित जी द्वारा हो रहा है और सभी देवी देवताओं को स्नान करा दिया है, और देवी देवताओं की पूजा यहाँ पे हो रही है दोस्तों। ये भक्ति संस्थात नित्यं भावानुसारेण सदा नराणं यं ब्रह्माकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसस्तं मेघवर्णं सुमंगलं सुरवारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता जय गंगे माता वही सहज में पी को पाता पाता तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओ सारम मुझ केंद्र हारम सदावशंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। दोस्तों पूजा संपन्न हो गई है, अब सभी लोग जाएंगे मंदिर, माँ गंगा दिव्य दर्शन होंगे दोस्तों, और उसके बाद यहाँ से कावड़ उठा के हम आगे प्रस्थान करेंगे दोस्तों। जय माँ गंगे हर हर गंगे जय। सभी लोग अपनी कावड़ को सजा रहे हैं दोस्तों, और इसके बाद कावड़ यहाँ पर रखी जाएगी मंदिर से आगे दर्शन करके दोस्तों, उसके बाद कावड़ यहाँ से उठाई जाएगी। और जय माता दी दोस्तों, मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने। जय माता दी जय माता दी। दोस्तों यहाँ से पूजा प्रसाद ले लिया है, माँ गंगा का दिव्य धाम। जय माता दी हर हर गंगे। शंकर भगवान की जय। बजरंगी की जय। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए बाबा भैरवनाथ जी का अखंड धुना यहाँ पे है। देखिए दोस्तों सब लोग यहाँ पे टीका लगा रहे हैं, ये अखंड धुना है दोस्तों, ये अनवरत जलता रहता है यहाँ पे। तो माँ गंगा के दर्शन करने आते हैं वो बाबा भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करते हैं। जय बाबा भैरवनाथ जी की जय। बाबा भैरवनाथ जी का अखंड धुना जो कि गंगा मैया के मंदिर के ठीक सामने है। ये देखिए दोस्तों, ये है बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन करिए दोस्तों। इन्होंने यहाँ पे कांवड़ सजा दिए दोस्तों, और ये मेरठ से हैं, और ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है इनको ये कांवड़ यहाँ से मेरठ पहुँचानी है पैदल। ये श्रद्धा है दोस्तों, और मैं तो हर हिंदू भाइयों से ये कहूँगा कि आप लोग भी अवश्य कांवड़ लेने आए दोस्तों, और आप लोग कांवड़ लेकर के जो है बहुत ही आपको शांति मिलेगी, बहुत ही आपकी मनोकामनाएं माँ गंगा और भोलेनाथ जरूर पूर्ण करेंगे दोस्तों। तो कांवड़ उठा दिया है, ये देखिए कांवड़ लेके चल रहे हैं दोस्तों गंगोत्री धाम से। यहाँ देखिए सभी भक्त जो है बड़े खुशी खुशी जो है आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखिए सब लोग इकट्ठा हो गए हैं और निकल रहे हैं माँ गंगा के दरबार से बाबा केदारनाथ के धाम की ओर। यहाँ देख सकते हैं जय भोलेनाथ हर हर महादेव जय शंभो भोले भोले भोले।
देवदार का बहुत ही सुंदर घनघोर जंगल है गंगोत्री धाम के बहुत नज़दीक। यहाँ से आप देखिए ये है गंगोत्री धाम, काफी पीछे छूट गया दोस्तों, और बहुत सुंदर यात्रा है दोस्तों। जय शंकर भगवान की जय। भोले का डमरू हाथ में लेकर के कांवड़िया आगे बढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए कांवड़ यात्रा हमारी पहुंच चुकी है भैरव घाटी राष्ट्रीय उद्यान की नेलांग घाटी में, आपका स्वागत। ये नेलांग वैली है दोस्तों, यहाँ से नेलांग वैली के लिए सड़क जा रही है, बॉर्डर चाइना बॉर्डर के लिए रोड जा रही है दोस्तों यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर आगे हमारी ITBP के जवानों की चौकी है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ से रोड जाती है, बिना परमिशन के इसमें जाना सख्त मना है दोस्तों। इसमें DM उत्तरकाशी से जो है परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ से आगे जा सकते हैं। लगातार आगे बढ़ रहे हैं, भैरव घाटी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा विश्राम होगा दोस्तों, चाय पियेंगे दोस्तों। यहाँ पे कांवड़ हमने यहाँ पे झुला दी है दोस्तों। कांवड़ का मतलब ये होता है कि उसको नीचे नहीं रखना होता है दोस्तों, झुलाना पड़ता है। ये हमने यहाँ पे कांवड़ झुला दिए दोस्तों। सभी हमारे साथी लोग यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। ये यहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है दोस्तों भैरव घाटी में। दोस्तों भैरव घाटी में भैरव जी का मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं। जब तक भैरव जी के दर्शन ना हो तब तक यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए भैरव जब भी आप यात्रा में आए दोस्तों भैरवनाथ जी की जी के दर्शन आप अवश्य करें। जय भैरव जी, जय। और ये भैरव घाटी से नीचे उतर गए हैं और हम लंका पुल में पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये आप देखिए ये है लंका पुल, एशिया का सबसे ऊंचा पुल है दोस्तों लंका पुल। ये आप देखिए ये जाड़ गंगा है दोस्तों, कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था दोस्तों। ये जाड़ गंगा है, ये काफी ऊपर से आ रही है, चाइना बॉर्डर से होके आती है दोस्तों। ये आप देखिए ये है जाड़ गंगा, और ये नेलांग वैली है दोस्तों, इधर ऊपर नेलांग वैली है जो कि चाइना बॉर्डर को जाती है दोस्तों। और इस साइड आप देखिए मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये गर्तांगली है दोस्तों, जहाँ पे भारत और तिब्बत का व्यापार होता था। गर्तांगली है, गर्तांगली का ब्लॉग मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, बहुत सुंदर वीडियो आपको दिखाई थी दोस्तों गर्तांगली का। जब ये पुल नहीं था उससे पहले ये देखिए आप झूला पुल था दोस्तों, नीचे पैदल पुल था। ये पुल के समीप से ही ये लगा हुआ है गर्तांगली का प्रवेश द्वार। ये आप देखिए ये गर्तांगली जाने का रास्ता है दोस्तों, लगातार चल रहे हैं। लगभग हम गंगोत्री से अभी तक 10 किलोमीटर लगभग दूरी तय हो गई दोस्तों। आ रहा है भगत जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी यात्रा चल रही है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। भैरवनाथ की यात्रा में बहुत आनंद आ रहा है जी, बहुत अच्छा आनंद आ रहा हमें, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, लंका पुल के आनंद मन अनुभव हो रहा है। वाह वाह वाह, सही बात दोस्तों। देखो गाड़ी में तो हर कोई आता है, लेकिन पैदल जाने का आनंद ही अलग है। हर चीज हम देख के जा रहे हैं, हर प्रकृति के हर अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छी अच्छी नेचर को हम जो है करीबी से देख रहे हैं। आप देखिए बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है दोस्तों। और घने जंगल में चल रहे हैं, ये आप देखिए देवदार के बहुत ही सुंदर घने जंगल है, बहुत सुंदर दृश्य है। ये देखिए बहुत ही सुंदर घाटी, अच्छा लग रहा है भगत जी। ये देखिए दोस्तों बहुत सुंदर, परम आनंद आ रहा है, परम आनंद, परम आनंद की अनुभूति हो रही है दोस्तों सबको। देखिए हर कोई जो है बहुत थोड़ा समय के साथ बढ़ रहा है आगे, और कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो कष्ट तो होता है दोस्तों, पर लेकिन कष्ट झेलने की क्षमता होनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ जो है हर किसी को जो है पार करता है। ये आप देखिए जय भोले की जय, भोले गंगा मैया की जय, केदारनाथ बाबा की जय, हर हर गंगे जय गंगे। तो यहाँ पे देखिए शिव भक्तों द्वारा जो है विशाल भंडारा यहाँ पे लगा रखा है दोस्तों। जो कांवड़िया आ रहे हैं दोस्तों उनके लिए जो है बहुत सुंदर भंडारे की व्यवस्था यहाँ पे है दोस्तों, बहुत अच्छी। दोस्तों जो आज का हमारा ट्रैक होगा, जो आज का हमारी रनिंग होगी दोस्तों, लगभग 27-28 किलोमीटर चलना होगा, क्योंकि गंगोत्री धाम से सुक्की झाला लगभग 28 किलोमीटर है दोस्तों। और आज का हमारा टारगेट जो है लगभग हमें सुक्की या झाला पहुंचना है दोस्तों। यहाँ से सड़कें काटी होगी कभी, आप देखिए नीचे रोड है, ऊपर से पूरा पहाड़ है, आप देख सकते हैं। ये यात्रा जरूर करें दोस्तों एक बार, जिंदगी का मजा है इसमें, और आप प्रकृति को बहुत नज़दीक से देख पाएंगे। काम हमेशा करें दोस्तों, लेकिन काम के साथ साथ जो है आप अपने लिए समय उसे निकालें। साल भर में मात्र आप 10 दिन का समय निकालें और इस यात्रा को करें, बहुत सुखद अनुभूति
आपको होगी। हम लोग पिछली बार भी गए थे दोस्तों, और इस बार भी बहुत उमंग जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार हम 11 भोले थे और इस बार बढ़ के जो है 13 हो गए दोस्तों, 11 आते। किस तरह से जो है हमारे भोले लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 4 भोले हम साथ साथ चल रहे हैं और हमारे और भोले पीछे रह गए थोड़ा। 9 लोग पीछे हैं और 4 लोग हम लगातार साथ चल रहे हैं और वो भी हमारे नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो अभी पहुँच चुके हैं कोपांग में, ये आप देखिए भोले कोपांग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये पेड़ है, नीचे से तो एक ही पेड़ है दोस्तों, नीचे आप जड़ से देखिए एक पेड़ है, ऊपर से 11 पेड़ है दोस्तों इसमें, ये आप देखिए 11 पेड़ है। ये देवदार का वृक्ष है दोस्तों। नीचे ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस की ये चौकी है दोस्तों, कोपांग चौकी, ये आप देखिए। और यात्रा हमारी इससे आगे बढ़ती हुई दोस्तों, यात्रा पहुँच चुकी है जांगला पुल। ये है जांगला पुल, ये आप देखिए गंगा की डोली जो है पैदल मुखवा गाँव से यहाँ पे आती है और इसके बाद यहाँ से बाई रोड जाती है दोस्तों गंगोत्री धाम के लिए। पिछली बार हमें भी सौभाग्य मिला था माँ गंगा जी की डोली में आने का, पैदल मुखवा गांव से और भैरव घाटी तक। दोस्तों आप देखिए हम पहुँच चुके हैं सेल्फी पॉइंट में, ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पे है। और इस साइड आप देखिए माँ गंगा का सुंदर दीदार आप कर सकते हैं, सुंदर दृश्य देख सकते हैं। और इसके सामने देख सकते हैं धराली गाँव, और इस साइड है मुखवा गाँव, और इस साइड है धराली गाँव दोस्तों, यहाँ देखिए। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं 6 भोले, और 7 भोले हमारे पीछे से आ रहे हैं, याद देखिए 6 भोले भोले। तो दोस्तों हमारी टीम हर्षिल पहुँच चुकी है और बारिश भी हो रही दोस्तों लगातार, इसलिए बरसाती का सहारा लेना पड़ा। और ये देखिए सभी भोले पहुँच चुके हैं हर्षिल में, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और इधर देखिए आप हर्षिल वैली का बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये आप देखिए बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है दोस्तों हर्षिल, ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हर्षिल का आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे YouTube चैनल में, ये आप देखिए दोस्तों। और इधर ये है बगोरी गांव, राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग इधर ही हुई थी दोस्तों, ये आप देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा। अभी आसमान मौसम खुल गया दोस्तों, अभी ये देखिए दोस्तों अब निकल रहे सभी भोले झाला की ओर। ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, पहाड़ों का मौसम बहुत सुंदर है दोस्तों आजकल, न तो यहाँ पे गर्म है ना ही यहाँ पे ठंडा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है दोस्तों, ये आप देखिए। और देखिए दोस्तों हमारे साथ के भोले लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जय भोले की। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं झाला जसपुर पुराली के ठीक सामने, ये आप देखिए ये है पुराली, ये है जसपुर, ये है नीचे झाला। और ये देखिए दोस्तों माँ गंगा का यहाँ पे बहुत ही चौड़ा स्थान, यहाँ पे आप देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और देखिए हमारे भोले किस तरह से झूम रहे हैं, ये आप देखिए, और कुछ भोले आगे चले गए और कुछ भोले पीछे से आ रहे हैं दोस्तों, ये आप देखिए दोस्तों। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय भोलेनाथ। ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर, ऊपर टॉप में सुखी टॉप है दोस्तों, ऊपर टॉप देखिए आप, वो सुखी टॉप है। और यहाँ पे दोस्तों कांवड़िए जो है दूर दूर विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं। जय दोस्तों, जय हो, जय शंकर, बम 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 बम। झाला पहुँचने वाले हैं, बहुत नजदीक रह गया। हाँ झाला रुकेंगे बोले, आप लोग कहाँ रुकेंगे? हाँ ठीक है, और क्या देखिए, जय भोले, जय भोले की, जय भोले की। हाँ कल नाटक है, हाँ ये देखिए दोस्तों ये है झाला। तो हम पहुंच चुके हैं झाला में, ये होटल है दोस्तों, यहाँ पे इस होटल में रुके हैं दोस्तों, ये देखिए ये होटल है। और अभी यहाँ पे आरती कर रहे हैं सभी लोग।